नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। पेप्टिक टाइम लगातार आपको अपडेट करता है ताकि आप नई जानकारियों के साथ पहले से बेहतर और पहले से सुरक्षित रहें। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे, देश में एक नई आशंका जन्म ले रही है कि अगर कोरोना महामारी की तीसरी लहर ने दस्तक दी तो बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। देश के कुछ हिस्सों में बच्चे कोरोना के संक्रमित मिलने भी लगे हैं। ऐसे में लोगों को अब तीसरी लहर का खतरा डरा रहा है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान क्या बच्चे भी संक्रमित होंगे और अगर संक्रमित होंगे तो उन्हें किस तरह से बचाया जाएगा? बीमारी के पहले ही ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें आजमाकर हम बच्चों को इस बीमारी से बचा सकते हैं? ऐसे ही कुछ अहम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ हैं छतरपुर जिले के बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष बजाज। डॉक्टर पीयूष बजाज से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस बीमारी से हम अपने नौनिहालों को बचाएंगे। डॉक्टर पीयूष बजाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। पहला सवाल मेरा यही आपसे कि अगर इस बीमारी की जो आशंका जाहिर की गई है उस आशंका को सच माने तो बच्चे इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन इस बीमारी की आशंकाओं के पहले ही पेरेंट्स यानी कि अभिभावक ऐसे कौन से कदम उठाएं जिससे बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके? अभी तक जो स्टडीज आई हैं उसमें ऐसा है कि तीसरी लहर जो आएगी अगर आती है तो ऐसा 100% श्योर नहीं कहा जा सकता तीसरी लहर कब आएगी और कितने दिन बाद आएगी, कि आएगी भी या नहीं आएगी जी। लेकिन जैसे संभावना है अगर तीसरी लहर आती है उसमें बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं जी डॉक्टर, तो इसके जो बचाव ऑलरेडी जो चल रहे हैं गाइडलाइन कोरोना की वही है, अलग से ऐसा कोई बचाव नहीं है जी जी। है ना, पेरेंट्स बच्चों में इन्फेक्शन पेरेंट्स से आएगा तो पेरेंट्स को अपने आप को कोरोना इन्फेक्शन से बचाना है तो बच्चों को बच्चे भी बचे रहेंगे तो वही जो ऑलरेडी गाइडलाइन चल रहे हैं, मास्क का उपयोग करें, हाथ बार बार धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एडल्ट्स को भी वैक्सीन लग रही है, बच्चों को जो वैक्सीन अभी ट्रायल में है। अच्छा। हो सकता है बच्चों का फेज 3 ट्रायल चल रहा है, हो सकता है वैक्सीन कुछ दिन बाद बच्चों के लिए भी आ जाए जी। लेकिन जब तक नहीं आ रही तो एडल्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना वैक्सीनेशन कराएं 18 उम्र से ज़्यादा वाले, पेरेंट्स बचे रहेंगे तो बच्चे भी बचे रहेंगे जी डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरह से हमने पिछले दिनों कोरोना की दूसरी लहर में बड़ों के साथ काफ़ी घातक स्थितियां देखी, जब महामारी ने बड़ों को चपेट में लिया तो ऑक्सीजन की कमी के अलावा ब्लैक फंगस जैसी रोग भी सामने आए, क्या बच्चों के साथ भी कोरोना इसी तरह का बर्ताव कर सकता है या फिर उम्र के कारण इसके लक्षण इसका असर कुछ अलग हो सकता है? ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों में अगर कोरोना भी होता भी है तो मृत्यु दर वो नहीं रहेगी जो बड़ों में हमने देखी है जी। बड़ों में ज्यादा घातक होता है, बच्चों में सामान्य लक्षण सर्दी जुकाम बुखार ही रहेंगे जो एक वायरल फीवर के लक्षण रहते हैं, मतलब उतना खतरनाक नहीं होगा, बहुत अगर होगा भी तो बहुत कम ही बच्चे जिनको साथ में कोमॉर्बिडिटीज है। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब या तो जिनको हार्ट डिजीज है, जैसे छोटे बच्चों को हार्ट में छेद होगा आपने होता है, कई बच्चों को आपने सुना होगा बिल्कुल बिल्कुल, या जिनका लीवर खराब है या स्प्लीन खराब है, जो ऑलरेडी किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जैसे थैलेसीमिया है, जो दूसरी बीमारियों से सफर कर रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कमजोर है, जो पहले से स्टेरॉइड ले रहे हैं, जैसे किडनी की कुछ बीमारी होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसे, जिसमें बच्चों को पहले से स्टेरॉइड चलता रहता है जी जी, ऐसे बच्चों को सीरियस होने का खतरा ज्यादा रहेगा, बाकी जो बच्चे स्वस्थ हैं उनको कोरोना का इफेक्ट बहुत कम ही आएगा। डॉक्टर साहब एक अहम सवाल है कि जिस तरह से बच्चे अक्सर सर्दी जुकाम के शिकार हो जाते हैं, इस दौरान अगर बच्चे सर्दी जुकाम के शिकार होते हैं तो अभिभावक किस तरह से पहचाने कि ये सामान्य सर्दी जुकाम है या फिर बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं? ये आपका अच्छा सवाल है, ये कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है जिसके आधार पे हम कोरोना को डिफरेंशिएट कर सके कि ये सामान्य सर्दी जुकाम से अलग है जी। लक्षण वही होते हैं, इसलिए बिना टेस्ट के कोरोना को डिफरेंशिएट करना कि कोरोना वाला सर्दी जुकाम है या वायरल है या मौसमी है ये लगभग असंभव है, डॉक्टर के लिए भी असंभव है, पेशेंट्स के लिए तो है ही जी, बिना टेस्ट किए हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, टेस्ट ही उसका एक मार्क। डॉक्टर साहब पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से बड़ों को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया तो कई बार RT-PCR और एंटीजन टेस्ट सफल नहीं रहे और लोगों को फेफड़ों के संक्रमण की सही जांच के लिए CT स्कैन कराना पड़ा, क्या बच्चों का भी CT स्कैन कराना पड़ेगा जब बच्चे संक्रमित होंगे? CT स्कैन बच्चों में कराते समय बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि CT स्कैन से रेडिएशन होता है जी,
पहले जो सीटी स्कैन आते थे वो एक सीटी स्कैन में लगभग 100 से 200 एक्सरे बराबर रेडिएशन मिलता था, 100 एक्सरे बराबर। अब जो सीटी स्कैन आ रहे हैं, हालांकि उनमें रेडिएशन कम है, 10 से 20 एक्सरे बराबर है, फिर भी बच्चों को अननेसेसरी सीटी स्कैन कराने से बचना चाहिए। सीटी स्कैन उन्हीं का कराना पड़ेगा जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिनको ऑक्सीजन लेवल 85 से कम हो रहा है, और दवाइयों के बाद भी जिनकी सांस लेने में तकलीफ बढ़ती जा रही है, है ना, बिल्कुल दवाइयों से आराम नहीं आ रहा, ऑक्सीजन देने के बाद भी सैचुरेशन नहीं बढ़ रहा है, तो सीटी स्कैन कराना चाहिए, अदरवाइज सीटी स्कैन से बचेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को किस तरह से अच्छी इम्यूनिटी के लिए उन्हें क्या मल्टीविटामिन टैबलेट्स देना उचित रहेगा। इसमें अभी भी बहुत बड़ा सवाल है कि मल्टीविटामिन से कितनी इम्यूनिटी बढ़ती है। जी डॉक्टर, ये बहुत अभी डिबेट का विषय है, अभी तक ये थ्योरी कोई प्रूवन नहीं है कि मल्टीविटामिन देने से इम्यूनिटी बढ़ती है। जी, इम्यूनिटी हर किसी की काफी हद तक जन्मजात होती है, उसको ऊपर से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया सकता मल्टीविटामिन देके। अब हालांकि अच्छी डाइट, जो हेल्दी डाइट है, दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स, है ना, ये जो हर चीज़ की वैरायटी है देना चाहिए खाने में। और बच्चों के लिए मेरी सलाह है चिप्स कुरकुरे और बाजार की चीज़ें फास्ट फूड से बचें। एक और अहम सवाल मेरा ये है कि बच्चों की इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए आप एज ग्रुप के हिसाब से किस तरह का डाइट प्लान उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो किस तरह के डाइट प्लान को फॉलो करें। बच्चों के लिए डाइट चार्ट फिक्स नहीं होता, डाइट चार्ट तो उनके लिए फिक्स होता है जैसे डायबिटिक पेशेंट है या रीनल पेशेंट है। जी, मतलब बच्चों में इनका बहुत कम ही रोल है। बच्चों के लिए डाइट चार्ट फिक्स नहीं किया सकता। जी, बच्चों के लिए सलाह यही है कि जो हेल्दी फूड घर का बना हुआ खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट्स सारे खाएं, जो भी मौसमी फल आ रहे हैं, और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स जितना काजू किशमिश बादाम वगैरह जो अफोर्ड कर सके तो वो खाएं। ये तो बच्चों और बड़ों दोनों में एप्लीकेबल है कि फिजिकल एक्टिविटी जो जितनी अच्छी करेगा उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहेगी। जी, बच्चे आजकल दिन भर टीवी मोबाइल कंप्यूटर में लगे रहते हैं, ये गलत है। जी, अगर अभी लॉकडाउन है बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो पेरेंट्स को ही कोशिश करना चाहिए कि जितनी फिजिकल एक्टिविटी घर बच्चों के घर में जितनी जगह है उसमें जो खेल सकते हैं बच्चों के साथ खेलें, इंडोर गेम खेलें, आउटडोर जहाँ तक पॉसिबल हो, अगर छत पे खेल सकते हैं तो छत पे खेलें, बाहर अगर बगल मैदान है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहाँ भी खेल सकते हैं जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। जितना ज्यादा बच्चा फिजिकली एक्टिव रहेगा उतनी अच्छी उसकी इम्यूनिटी रहेगी, टीवी मोबाइल से बचे। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल मेरा ये कि अगर ये कोरोना की तीसरी लहर घातक रही और बच्चे इसकी चपेट में आए तो शासन प्रशासन को, हमारे चिकित्सा जगत को और समाज को पहले से किस तरह की तैयारी करके रखनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को इस महामारी से बचा सकें। हर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और जो भी बच्चों के अस्पताल हैं वहाँ बच्चों के लिए बेड्स आरक्षित करने पड़ेंगे। जी, ऑक्सीजन की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए। बिल्कुल, बच्चों के लिए ड्रग्स तो बहुत ज्यादा कोरोना में भी इंडिकेटेड नहीं है, जो बड़ों में इंजेक्शन लगे जैसे रेमडेसिविर वगैरह उनका बच्चों में बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, ना ही फेविफ्लू एक करके दवाई आती है उसका फायदा है, आइवरमेक्टिन भी बच्चों में नहीं दिया जाता। जी, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होगा। जी, बुखार है तो बुखार की दवाई, सर्दी जुकाम है तो सर्दी जुकाम की दवाई, सांस लेने में दिक्कत है तो ऑक्सीजन। तो बच्चों के लिए अपने को पहले से बेड आरक्षित करने पड़ेंगे, और दूसरी बात है बच्चों के वार्ड में खिलौने रखने पड़ेंगे, कुछ उनको एक्टिविटीज में लगे रहें, छोटी छोटी स्लाइड्स रखनी पड़ेगी, टीवी में कार्टून चैनल वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी एलसीडी लगा के, जिससे बच्चे जितने भी दिन एडमिट रहें आइसोलेट रहें। अगर बच्चा बड़ा है खुद से आइसोलेट रह सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मदर के लिए भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी बगल वाले वार्ड में। तो बच्चा जितना एक्टिव, मतलब वो जो टाइम पीरियड है उसका क्वारंटाइन का 14 डेज का, उसमें बच्चों को एंगेज रखने के लिए वो एक्टिविटीज भी अरेंज करनी पड़ेगी साथ में इलाज के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आपने दिए। निश्चित रूप से इन सवालों के जवाब के कारण हमारे कई दर्शक और अभिभावक जागरूक होंगे और तीसरी लहर से अपने बच्चों को बचाने के लिए ठोस कदम पहले से ही उठाएंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।